दिल्ली में कॉल किया कि जो भी का स्वास्थ्य कैसा है, किसको कैसे लाभ है, तो बहुत अच्छा रिपोर्ट है जो कि दोपहर को उन्होंने खिचड़ी प्रसाद दिया और रात को दलिया बना करके खिलाया। और गुरु जी अभी अच्छे हैं, थोड़ा काफ़ी लाभ है और बाकी भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सारा सब सही है। रात का रिपोर्ट भी अच्छा है, प्रगति बढ़ते हैं और गुरु जी बहुत खुश हैं। उपस्थित पूजनीय संन्यासी
समस्त वैष्णव सत्यवादी माताएं बहनों भाइयों सभी अभी हम लोग प्रातःकाल सीतामुद्रास्त्र और श्रीमद भागवत के प्रसंग में से ही सूर्य स्तर से प्रणाम कर रहे जो कि हमारे शिष्य मनोभक्त वेदांत श्री दामोदर महाराज ने आपके सामने व्यक्त किया कि महाराज श्री कृष्ण ब्रह्मी बालों बाल बन गए क्यों माताओं के प्रेम के सामने प्रेम के सामने भगवान अपने बहुत बड़े होते हुए भगवत्ता के उसे छिपा कर वे बालक बन करके खेल कूद करते ब्रजगोपियों के घर घर जाते हैं उनके घरों में जाकर मक्खन चलाते हैं लूटते हैं खाते हैं दूसरों को खिलाते हैं यदि खाते खाते पेट भर गया बोले कि भूख नहीं है कोई खा ही नहीं रहा है लो ये मक्खन बढ़िया नहीं है खट्टा मक्खन बना रखा है लो उठा करके पटक दिया एकदम फोड़ करके बेटा का मक्खन रखा है बढ़िया मक्खन नहीं रखा क्या काम कर दिया तो कहते तो इस तरह से फेंक फाक के चले जाते हैं तो गोपियां सब देखती रह जाती है और क्या होता है घर घर में जाकर मक्खन चलाते हैं पर गोपियां भले ही बुलाते और भले ही हंसे और कन्हैया जी और कुछ भी बोले तो भी उनके मन में कभी विदेश की भावना नहीं है हम लोगों के घर में यदि कोई कोई देशी बच्चे किसी का बालक आकर कोई सामान उठा ले और तोड़ फोड़ डाले तो क्या होगा लड़ाई मारवाई हो जाएगी है ना मार का ढंगा तो हंगामा हो जाएगा पर कृष्ण को नहीं है उनके वैष्णव के घर घर जा रहे हैं और मक्खन लूट रहे हैं लुटा रहे हैं कि तुम्हारा मक्खन बढ़िया नहीं है बेकार है फोड़ दिया तरह तरह के लिए कर रहे और कोई को भी कहे हमारे मक्खन हमारे घर में मक्खन चिड़ा रहा है ये तुम्हारा घर छोड़े ये मेरा घर है तुम लोग चोर है हम चोर थोड़ी है हमारा घर है भगवान कृष्ण का कहना ये झूठ नहीं है गलत और ब्रह्मा जी क्या बोले भागवत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण हे प्रभु हे श्याम सुंदर जब संसार के दिन आपके नहीं बनते केवल मैं तेरा अभिमान करके ये संसार ये घर ये सामान सब मेरा है मैं भूख करने वाला हूँ मेरे पुत्र मेरे परिवार मेरे भाई मेरे बंधु ऐसा अभिमान करता है तो इस तरह से अभिमान करके उस घर संसार में पड़े हुए हैं तो ये घर संसार कैसा उसको खाया जाता है और संसार के प्रति जो मोह है मेरा पुत्र परिवार पत्र भाई बंधु नहीं चाहिए तो ये क्या है पैर की बेड़ियां है जो बेड़ी जेल में जैसे किसी व्यक्ति को पैर में लोहे की बेड़िया लगा दे और उसको पटक दे बोले यही पड़ा
पनिशमेंट देते उसी तरह से इस संसार के कारण में हम सभी बड़े हुए हैं। जब तक हे कृष्ण नाते जना तुम्हारी सेवा में तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हमने संसार के लिए किया, संसार के लिए किया और तुम्हारे लिए नहीं किया, यही तुम्हारा तुम कर। इसलिए दावती जी कहते हैं तो ये विषय मतलब तारे समर्पित हैं और मजबूर हम गुरु का जी माधव हार परिणाम निराशा। हे माधव तुम्हें भूल कर और संसार को अपनाया, सबको गले लगाया, सबसे प्यार किया, प्यार दिया और मजबूर हो यही ब्रजवासियों की भावना है, मदीय भावना है। हम कृष्ण के नहीं कृष्ण हमारे मेरे, इस प्रकार की भावना हम कृष्ण के तदीय भावना जो है उससे कमियां अलग है, परंतु प्रकार में कृष्ण मेरे हैं, मेरे पास है, मेरा घर का बच्चा है, हम उन्हें खिलाते पिलाते हम उन्हें प्यार देते हैं, खुद हमारे ऐसे ऐसी भावना लेकर जहाँ ऐसे प्रेम प्रकाश हो रहा है, ऐसे मदद ले आए गए भगवान ने कृष्ण बाल को बाल बन करके लिया करते हैं, ऐसे ऐसे उनकी मधुर लीला है। अभी वर्णन होगा इससे पहले कि वर्णन को प्रसिद्ध चल रहा है भगवान को कुछ कहने को अभिलाषी है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीला विलासी उन्हीं का प्रकाश कौन है, कार्तिक साई महाविष्णु है, जिन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखा, लक्ष्मी जी ने उन्हें जगाया, सहन करते रहे तो सहन से उन्हें जगाया कि प्रभु अब तो जागिए उठिए और कितने देर सोते रहेंगे। भगवान विष्णु हमारे परिवार में मनुष्य परिवार में कितना दिन सो रहे हैं, बोले राजी साहब तो सो नहीं है ना, बोले संसार का सृजन करते हैं और संसार का सृजन करके इसका पालन भी करते हैं, इसका संहार भी होता है, जबकि ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि होती है, पालन होता है, शाम होते ही उसका प्रवाहित हो जाता है, स्नान होता है, तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, बोले मनुष्य परिवार में 432 करोड़ वर्ष 4 बिलियन 320 मिलियन
इस प्रकार इस संसार चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का खुश होता है, देवी जी गुरु अपने इस प्रकार अपने धरा धर्म में लीला करते हैं। तुलसी का वर्णन जब भगवान श्री कृष्ण देवा भाग में बल आदि विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं, रात्रि भाग में प्रज गोपियों के साथ में विभिन्न क्रिया कौशल राज बिहार बल बिहार और मधु भाग हिंदू और रात्रि भाग में राज बिहार की गति लीलाएं नित्य प्रति कुंज क्रिया कुंज विलास में रात्रि काल में भगवान श्री कृष्ण शक्तियों के साथ सहती रहते हैं। तो ये सभी वर्णन हो रहा है सूर्य स्तंभ में, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शयानंद निद्रा के उपरजित तो शयानंद निद्रा भगवान श्री कृष्ण क्या ब्रज में गुंजों में लीला विलास करते हैं ब्रज गोपियों के साथ, उनमें विशेषकर जो ब्रज गोपियां राधा के साथ में कृष्ण का लीला विरोह कुंज बिहार कुंज क्रिया सर्वशक्ति श्री राधा जी के साथ में, इसलिए रात्रि काल में कुंज बिहार में शयन करते हैं तो वृषभ आए उनके जितनी भी शक्तियां हैं जो कल भी कहा गया था और आए दिन राधा जी के भाव का एक एक कली एक एक प्रकाश जो है वो सखियां मंजरिया है ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता इंदु देवी खासू देवी रंग देवी दुर्ग और रूप मंजरी रथ मंजरी अनंत मंजरी लवंग मंजरी इलास मंजरी कर्पूर मंजरी तुलसी मंजरी भर मंजरी और गुरु मंजरी रस मंजरी कितने सारे मंजरियों का वर्णन है। ये सभी कौन है राधा जी की खास परिचारिकाएं, उन सभी सखियों के साथ में नहीं सभी रमणीय रात्रि में कुंज कुंज विहार में कृष्ण के साथ शयन करते जो निद्रा अवस्था है ऐसी निद्रा की स्थिति में देवी सूक्ष्म रूप विलास होता है, वहां पर भी सूक्ष्म रूप में विलास होता है जो कि शक्ति ही से राधा और सर्वभाई की बड़े राधा जी के साथ में कृष्ण का जैसे विलास है, इसी तरह से उनकी राधा जी की जो शक्तियां हैं उनके साथ में भी कृष्ण का विलास होता है। बोले कैसे विलास होता है, साहिब सर्व प्रेम शक्तियां सर्व प्रेम शक्ति सर्वा है, इसलिए और जितनी गोपियां हैं राधा जी की अंश स्वरूप है। अतः पुष्पिंगा रस का आस्वादन सिंगा रस राज मूर्ति भगवान श्री कृष्ण उन ब्रज गोपियों के साथ में राधा जी के साथ में उनकी जो मंजरिया है उनके साथ में उस सिंगा रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए सूक्ष्म रूप में वह विलास दिखाया गया है। और यह बातें हैं कि राधा जी तो स्वरूप शक्ति लादिनी महाभाव स्वरूप है, लता की शाखा की सखिया जो है वे सब राधा जी के एक प्रकाश है भाव का एक प्रकाश, क्योंकि गोपियों में वर्णन हुआ है सब गोपियां समान लगे कोई मुक्ता है तो कोई मत है कोई प्रगल्भ है प्रवचन के लिए बता दो करने वाले आ नहीं रहे ताकि वो अच्छे रहा है प्रवचन में दिखता ही
तो अब ललिता अभिषेक का चित्र चपोलता इससे क्या कहते हैं, इस क्या है कि राधे के भाव की एक ही कलियां है, एक ही प्रकाश। सब लोगियां समझ लेंगे मुद्रा मध्रा प्रगल्भा, फिर कोई धीरा कोई अधीरा और कोई धीरा धीरा। इस प्रकार इन सखियों का भेद है। जो कुछ कहते हैं सुन ले, तो उसको थोड़ा उपेक्षा नहीं करते, तो उस समय धीर सबाते रो लेगी कुछ बोले नहीं। कृष्णा के हंस दिया तो हंस ली और बात कर दिया तो भूल गई, तो उनमें माफी नहीं होता, होता है सरल श्री सा। और कोई मत्था है पीठ की है बड़ी भारी है और भी टूट भी जाए इस मतलब है। और कोई प्रगल्भ है कृष्ण कुछ बोले तो उसके मुंह के ऊपर जवाब देते हैं, तुरंत जवाब मुंह पर जवाब देते हैं, एकदम जवाब देते हैं। तो प्रगल्भ कोई धीर सवाल की है और कोई अधीर सवाल की है। तो राधा जी जो है धीरा धीरा धीर भी है अधीर भी है। इस प्रकार राजा जी के भाव के एक एक प्रकाश, तो इधर सखिया है और उधर मंजरिया है, तो कोई तो मूर्खा बन जाएगी कोई प्रगल्भा बन जाएगी, परंतु मंजरियों भी ऐसा नहीं है, सभी एक्सपर्ट है। और धीरे धीरे में प्रगल्भा में किसी में कौन है, राजा जी के साथ में भाव की लाई होती है। इसलिए इन सब एक भाव से जुड़ते हैं राजा जी के भाव से। और क्या होता है, भगवान कृष्ण पर विराजमान कभी कभी सखियां प्रतीक्षा करती है कि मेरे कुंज में आए मेरे साथ विलास करें। इसलिए सखियां तो प्रतीक्षा करती रहती है कि उसने किसी सखी को बच्चे न कर दी और किसी के प्रति अनुग्रह कर दिया। जिसको बच्चे न कर दी वो खंडिता बन गई और जिस पर अनुग्रह कर दिया वो तो खुश हो गई आनंद में भर गई। परंतु शादी तो बढ़ते का तो नहीं बन पाएगा, तो कुंज सेवा में कुंज लीला में कृष्ण के साथ मिलन होता है। जहाँ राधा जी के साथ कृष्ण का मिलन होता है वहां सखियों का प्रवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि सखियों में समान स्पर्धा रहती है, प्रतिस्पर्धा समान स्पर्धा समान समान भाव। कृष्ण मेरे साथ मिले मेरे पास आए मैं उनकी सेवा करूं, ये सारी भावना है। जहाँ कृष्ण राधा जी के पुण्य में हो और वहां पर सखियों का कोई प्रवेश नहीं हो पाता है, झांक के देख भी नहीं सकती न जा सकती, तो सखियों का वहां प्रवेश नहीं होता है। इसलिए बोले जहां सखियों का प्रवेश नहीं वहां किसका प्रवेश होता है, मंदिर में होता है जो राधा जी की खास परिचारिका है। राधा जी के साथ एक हृदय एक भाव अपने हृदय को मिला लिया, एक भाव से जो तत्त्व भावी समय बन गई राधा जी के भाव के साथ में भाव मिला लिया। इस प्रकार की तत्त्व भावी समय भक्ति करने वाली जो प्रतिमा है वो कौन बन जाएगा, वो क्या करती है, वो बाहर प्रतीक्षा नहीं करती, उसको निस्संकोच होकर वो तो पिया अंदर प्रवेश कर जाती है। जो राधा कृष्ण की सेवा परिचर्या करती है, इसलिए इन सभी शक्तियां राधा जी के साथ भाव मिलाए हुए होने के कारण उनको निश्चिंत निश्चिंत रूप में निस्संदेह सेवा मिल जाती है। राधा कृष्ण की सेवा में ये समर्थ होते हैं। इसलिए राधा जी महाभाव स्वरूपिणी
और जो सागर भक्त भजन करके इस तरह से संत भावित शरण में नारायण के भाव के साथ अपने भाव को उनके हृदय के साथ अपने हृदय को उनके विचार के साथ अपने विचार को इसी तरह से एकाग्र बन कर लिया है। राधाकृष्ण का भजन किया अपने को राधा मान करके और उस भाव में भक्ति करते ही राधा जी का भाव सम हो प्राप्त हो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण से मिलना नहीं चाहे
जो ब्रज गोपी पर उतर के आ रहे, कौन ऐसा स्त्री है जो पुरुष से मिलना नहीं चाहे अपने पति से? नहीं, हमें मिलन नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें देख करके आनंद दे रहे खुश हैं। कोई ऐसा शहरी है, कोई वह जीवन जब तक पति से नहीं मिलता तब उसको चैन भी नहीं, शांति नहीं छोड़ते। तो महाराज कृष्ण लीलाएं जहां ब्रज गोपी बन करके जा रही हो, ऐसे सिद्ध परिक्रमा में कृष्ण से मिलने की लालसा भी कर्म में मिला गया। इसमें एक बात है, देखिए सखियों को पवित्रता चित्त विवरण होता है, मिले कृष्ण का अनुभव करके, पर ब्रजियों को क्या होता है, मिलन सुख का सदाशर का अनुभव होता है। पर कैसे? जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वो श्लोक कहा है, बिना पुष्पांजलि के प्रारंभ होने श्री रूप पवन जी प्रतिदा पूरी रस। इस श्लोक में जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गुरु जी की रूप गोस्वामी जी की वंदना की, बोले मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी जी की मैं वंदना कर रहा हूँ। बोले कैसा गुरुदेव है भाई, ऐसे मजाक कर सकते हैं आप गुरु जी से? कोई मजाक हो तो ये तो बड़े मजाक की बात है। बोले हे रूप गोस्वामी जी आप कैसे हैं, आप तो ब्रज में सती नारी प्रसिद्ध पति प्रकाश के रूप वाली श्री रूप मंदिर, आपका पति तो दूर देश में गया है, घर में है परंतु आज ये क्या देख रही हूँ, आप तो बड़ी सती सती नारी, तो पति घर में लिए दूर देश में गया हुआ है, तो ये आपके अधर बिंब पर सुन, ये जो खत पीछे कटा हुआ है किसने काट दिया? आपका जो अधर बिंब है ये लाल रंग का है ना, बुरे बुरे लड़के के जीवक दिए आते जैसे हमारे साथ में बंगाल को जाते जाते हैं, बंगाल की लड़कियां भैया भैया है पलट हो जाती है, भाई कह रहे हैं इन लोगों का भूत कैसे बात है, कहाँ से हो रहा, कैसा हो रहा, हमें इतना लिपस्टिक लगा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, तो इन लोगों का भूत देने के इतना बड़ा ये पागल हो जाते हैं, इनका पहले कौन की है बात की और कैसे नहीं की भाई बिंबो फलों रस झाल। यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं कि रूप मंजरी का फोन कैसा है, तो लाल वर्ण बिंबो फल सदे पके हुए बिंबो फल। बोले अच्छा तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे थे कि हे रूप मंजरी तो ऐसा ही हुआ, कहीं सुख पक्षी आपके लिए बिंबो फल सदे करके उसने चोट मार दिया, छुप गया, इसलिए आपका भूत कट गया। परंतु ये तो बताइए किसने किया, सच सच तो बताइए, आप तो सभी साथी नारी हैं क्योंकि कृष्ण से आपका मिलन नहीं होता है, सर्वोत्तम की लालसा आपके अंदर नहीं है, आप सखी भाव में नहीं है, आप तो मंजर के हैं रूप मंजर, आपके अंदर सम्मोहित सभी भाव नहीं है, सतत भावित सब नहीं है, तो ये कैसे हो गया, कहाँ से संभव होगा, कृष्ण से मिलन होगा कैसे? तब आप झूठ बोल के क्या छोटी छोटी मिलती है क्या? उन्हें नहीं तो मंजरिया तो कभी चाहती नहीं, मिलती तो नहीं है, परंतु ये क्या होता है कैसे संभव हुआ? बोले कि तब तक हम इच्छा कोई भक्ति देव पद का है और उसमें से भक्ति लेके बोले कि राधा जी के साथ भाव तादात्म्य होने के कारण इन लोगों का क्या होता है, जब कृष्ण पुण्य में राधा जी के साथ विलास करते हैं उनसे मिलते हैं तो उनका मिलन सुन इन लोगों को भी मिल हो जाता है, इनसे भी मिलन हो जाता है, इसलिए अपना बिल्कुल मन खत्म इच्छा का देखा दिया स्वरूप का विलास यहां पर वर्णन कर रहे हैं।
किस स्वरूप में विराजत है वो किसी को पता ही नहीं। बोले क्यों? भगवान कृष्ण सबके साथ में थी तब इनको विलंब के साथ भाव तथा होने के कारण इनको विलंब के साथ अनुभव हो रहा है। बोले वो कैसे संभव है कि कोई प्रमाण है और प्रूफ है? इसलिए तो गायत्री मंत्र को बताया था ना। कब गायत्री मंत्र में कृष्ण क्या है? अनंत है, अनंत। बोले वो अनंत कैसे है? बोले सर्वांग में रहती है, जैसे कामदेव अनंत दिखता नहीं है, काम काम बदलता रहता है, मन में शरीर में बुद्धि में इंद्रियों में सर्वत्र है, सारे शरीर में, और काम दिखाई नहीं देता है। पूर्ण शरीर में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्वांग में संपूर्ण हृदय में मन में प्राण में शरीर में इंद्रियों में सर्वत्र परिव्याप्त हो, ऐसा क्यों? जो कि कल्याण ने बताया था विष्णु पुराणी मूर्खा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक त्यागी कौन है? राधा जी है। उनका पुण्य भी ऐसे ही कृष्ण का प्यारा है। बोले क्यों? राधा जी का एक कुंड जो है राधा कुंड, उनकी घाट शोभा फिर वहां की पुण्य पेड़ पौधे वृक्ष लता आदि जो कुछ भी है ये सब क्या है? राधा जी के भाव के साथ पदार्थ को प्राप्त है, इसलिए उस व्रत के ध्रुव कर में पेड़ों में पौधों में लताओं में पंछियों में कीड़े मकोड़े से सबके अंदर राधा जी का भाव प्रकाशित हुआ है। वाह और राधा जी के भाव के द्वारा संचित है, इसलिए कृष्ण को इतना प्यारा है। कृष्ण के लिए इतना प्यारा है राधा जी के भाव के अतिरिक्त, भाव के अतिरिक्त कृष्ण किसी को नहीं देखते। और जितने भी वृक्ष का जो कुछ भी है सर्वानंदमय मुकुंद दयितम लीलाकुलम परम, सभी आनंदमय है, मुकुंद के प्यारे हैं, दयित हैं और लीला के अनुकूल है, सहायक है, इसलिए कृष्ण का अभिमत है कृष्ण शरीर को जाते हैं। और ये शरीर कृष्ण की विनम लीला के सहायक है, जैसे गुरु जी कहा करते हैं अरे राधा जी को मान कर दिया, रुचि मिली है, रुक करके जा रही है, इतने में शेर के दहाड़ या कहीं सांप आकर के ठोंक उठा दिया, फंस राजी हो रहा है, डर के मर जा रहे कृष्ण को पकड़ लिया, मन में चल गया, कृष्ण से मिलन हो गया, तो ये सभी मिला के सहज इनमें कोई हिंसा भाव नहीं, शत्रुता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, विदेश भाव नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री रघुनाथ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे रूप मंजरी आप सचमुच सभी साथी मारे हैं, आपके अपने पति से तो मिलन होता ही नहीं, आपको पति को कश्मीर कोई कृष्ण की अतिरिक्त किसी को जानती नहीं, पर कृष्ण की अभाव से आपका सखी अभाव भी तो नहीं है, भाव तो है पर ही अभाव और सखी भाव भी नहीं, मंजरी भाव है तंत्र हमारे क्षमा ही भारती, इसलिए आपका आमने सामने डायरेक्ट रूप में सखी अभाव से मिलन नहीं हो रहा, मिलन हो रहा है तो पर ही अभाव में सखियों की तरह ऐसे मिलन नहीं हो रहा है, मंजरियों की तरह मिलन हो रहा है, राधा जी के साथ भाव तदात्म्य होने के साथ जब राधा जी के भाव में मिली है राधा जी से कृष्ण जो अनुभव है, इसलिए सखियों को कभी कभी कदाचित कृष्ण से मिलन होता है पर मंजरियों को नित्य हमेशा, इसलिए यहाँ सूक्ष्म रूप विनाश नित्य सूक्ष्म रूप में विराज दिखाया,
सैन मिला में भी कुंज लिया में कुंज किरा में भी कृष्ण राम कृष्ण का जैसे मिला आनंद है वही आनंद इन मंजरियों को भी है उनकी शक्तियों इसलिए सखी भाव की अपेक्षा मंजरी भाव का श्रेष्ठ तत्व गौरव यहाँ पर है मेरे विचार से और हमारे गुरु वर्ग के विचार से जितना हमारे समझ में आया यही मैं समझता और यदि किसी के पास कोई विचार हो अवश्य व्यक्त करेंगे तो ऐसा अनुभव हमें सुनेंगे और हम यही समझ रहे तो अभी देखेंगे इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या है सिंहास राज भौतिक सिंहास एक भौतिक और एक रस का स्वर्ग दो ही साथ में मिला हुआ भौतिक जगत में जैसे स्त्री पुरुष के मिलन में जो दैनिक सुख का अनुभव होता है दोनों मन दोनों जगह अलग हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का कहना है गोपियों को बोले कि दो हृदय को भगवान एक साथ ले जाए बोले तो हम चाहते हैं कि दो हृदय दो आत्मा दो मन दोनों का भाव एक आत्मा हो जाए हम तो वही चाहते हैं बचपन में जब नौ दिन तक में गुरुजी के पास आए हम तो गुरुजी के कमरे में हम कभी समय रहा गुरुजी के कमरे में ये फोटो लगा हुआ लग रहा है उसने कहा चुनल सरूप मिलन का खाने तो खाने पर सिखाने तुम्हारे तो लाइन लिखा मैं बारह दिन तक बारह पढ़ता हमेशा ही पढ़ता मुझे देखा मैंने देखा कृष्ण फोटो के रहा कृष्ण का और उसने ये लाइन लिख रहा है बस किया जब बड़ी बड़ा तुम्हारे और हमेशा देखता क्या तात्पर्य है क्या इसका अर्थ है राधा कृष्ण के दिनों का इतना सुंदर गुरु जी के कमरे में और गुरु जी हमेशा देखते हैं इस भाव में डूबते हैं और हमेशा इस भाव को भाव में रहते हैं एक समय उस समय तो हम समझते रहेंगे इतना ही हम हमेशा सोचते रहते हैं और कभी कभी कोई बात हो जाती है एक बार हमारे सुखानी तो गुरु जो अभी वर्तमान क्या बात है इसके लिए मालूम नहीं है तो एक बार क्या हुआ बजा करके तो कोई वो पाउडर था जो शरीर में लगाने वाला पौष्टिक था ये सब पाउडर था तो मजा करके किसी ने कहा से आया बड़ा बोलता उस बिस्तर में से पट दिया खुल करके खुश मिला तो क्या उसने गिर करके उनके बीच में हम सब से पूछे देखा छोटे छोटे तो हमने उनके बीच में खूब पावर छिड़का दिया कि एकदम बड़ा सुगंध तो बड़ा सुगंध देखा तो अंदर अंदर में खूब भाग दिया सोते समय बड़ा सुगंध रहेगा अब क्या हुआ वो बिगड़ गए रहे किसने तो किसने पावर किए वो बिगड़ गए गाली देने लगे अभिशाप देने लगे उस समय मैं तो घबरा गया मैं बोला लेकिन मैं सोच दिया बोला कि ऐसी सी बात है और मैं तो साथ रहे ऐसे मुआ के लिए चिंता चिंता होती है ना ये बच्चा नहीं रहता है ऐसे कर लियो ऐसे कर तो उस समय गुरुजी ने क्या किया सिर्फ सुनने की बात है तो गुरुजी ने भागवत का मूल चित्र सुनने के लिए जहाँ कृष्ण का गोपियों से मिलन करता है
और कुफियों का क्या दिन को गुरुवार को ये महापाप बादल का जो महापाप का बना चुका है उस लोग को एक दिन पहले पर इसको पढ़ो फिर मैं तो उस समय टीका पढ़ नहीं पाता समझ नहीं पाता तो एक पढ़ के जो थी उसको हमने सुनाते हैं तो मैंने कहा देखो ऐसे कोई बड़ा बातें आई जब से अपने बात है तो मैं इसी को सुनाते हैं और उसको पढ़ करके हमें बोलते मैंने कहा भाई बड़े मजे कर बात तो ये वाली बात थी तो मैंने कहा गुरु जी की कमरे में इस प्रकार तीनों घटोला राधा कृष्ण के हृदय का जो गुण भाव है वो बेहतर गुला है हम देखा जाते थे जिसमें राधा जी ये कहती हूँ हे बद्रो किया तो बड़ी बात है हे राम बदमा हे श्याम सुंदर मैं और क्या बहुत समय के पश्चात ऐसे निधि मुझे मिला वो निधि मैं हृदय में छिपा करके रखूं इस छाती को उठा कर जहां पर प्राण उन प्राणों के अंदर में तुम्हें समा के रखूंगी मैं कभी बाहर निकालूंगा इस तरह के तो हृदय के अतिम मूल तो भाव है राधा कृष्ण के गुरु जी हमेशा स्वागत करते रहे और उन्हीं के खुले रहे खुले रहे उनका संपूर्ण जीवन इस प्रकार राधा कृष्ण के भाव में मिले तो कहने का था ऐसे यहाँ पर शिष्य विलास है कृष्ण सिंगा रस का ज्योति है सिंगा रस क्या है उन्नत उज्जन मधुर रस योगी प्रेम स्नेह वाद प्रणय राग लला भावना और गतिया फिर इसके बाद जिन पर उन्माद वाय भाव गुण अधिगुण चित्र जल पर जिन पर उन्माद प्रेम की दस दशा जागरण चिंता उद्धि तारण और वृद्धि दशा तो इस दशा स्थान का राजनी के हृदय में कितना उसमें कितना भाव उदय होता है बच्चों पदार्थियों ने कितना सुंदर भावों का बेहतर हुआ है तो ऐसे ऐसे जहाँ सूक्ष्म विलास का वर्णन हुआ है गोपी अभी राधा जी के भाव में तदाल को हो करती है इन भावों का स्मरण करती है और कृष्ण भी इन वजनों के भाव का प्रेम का आस्वादक है इनके भाव को प्रेम को आस्वादन करके वे नित्य उसी में खड़े हुए हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण वे रसिक शिखर बन गए तो इसलिए यही पर करता हूँ बहुत सुंदर है इसलिए बच्चा सभी लोग नाश्ता लेंगे अनुराग और श्री श्री गुरु पर परमान ओम विष्णु महाराज सुषमा का प्रदान नारायण गोस्वामी महाराज और श्री आशीष गुरु और श्री चिदानी सन्यासी वैष्णव वैष्णवी रूप काम के निष्पान और पूज्य पदार्थ फ्रेशर से वाली राधिका Bhagavatam, the late stuttis, in the beginning of creation, the stuttis of it. Prayers to Mahavishnu and Pujapati Kirti Maharaj giving some other commentary, another way of understanding the late stuttis. So maybe they might even hear such things. But our Gavadarashtik is also going along in a parallel way, a little behind the moment. We're hearing the pastimes because it is Kartik month, but Lord Sri Krishna performs solemnly with his main activity. Just like in this month, so many Vaishnavas either appear or disappear. So in this month of Kartik, Sri Krishna performs solemnly of his major pastimes. In this month only, he was bound by Madhyasana to the grinding water. In this month only, he lifted all up. In this month of Kartik economy, he performed Sadhya Nas,
So this karmic mantra is very important. So continuing on as Gurudev Das and you hear a little bit describing this Damodaras thing. So I think yesterday, instead of explaining without moving from the Gurudev Chantra, little we mentioned in the Krishna Lila. So without the moving from the Gurudev Chantra, that's describing Krishna's condition after he was caught by Radha Yasoda. But how he was caught, I wanted him to describe first. Because otherwise, so many Chinese persons have never heard any Damodar or anything. So I have to explain what it is. So we heard yesterday how Krishna's, oh, I cannot make Gopi's words false, they're calling each other. Therefore, I will begin thinking. So Krishna began to steal so many pleasures. Then Mother started thinking, why my son is going another place and stealing? What is no butter yogurt in my house? We heard Nandamala at the time of Krishna's birth gave 2 million cows. You could imagine how many cows Nandamala has. No one can tell. And each cow is covered in unlimited milk. And how much yogurt, butter, chas is there in Nandamala's house? No one can measure. Therefore, Mother started getting thinking, why my son is going outside and stealing? Maybe in his house there are many maidservants, and they are not doing their service with full attention. Maybe this Bhagavan is moving south. Therefore, Mother started deciding, today I will make Bhagavan with my own hands. Therefore, Mother started went to one black car, Padmagana. Some special cars only for Krishna's car. So especially the milk that comes from a black cow, that milk is first class. So early in the morning, Mother Yasoda, she milked that cow, she heated the milk, made it into yogurt, and she began churning. So as she had closed her eyes, she was churning, seeing Govinda down home. Any activity we perform, even the names of Bhakti, must be accompanied by the chanting of the holy name, otherwise we cannot keep us up. Sri Jiva Goswami says in this Kali Yuga, other names, two other names of Bhakti cannot be the result without not chanting. The Buddha, even the Pujari, he is performing worship, he is not remembering Govinda, Dharma, 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 Hare Krishna, Hare Krishna. Hari Hiraya, Brahma Krishna, Yagamaya Nama. He is performing Rajan, but not remembering the name of Krishna. Rajan cannot give result in Kali Yuga. Because Dharma, Sanatras, Nam Sankirtan, Niramara, Nam Rekhaya Kama. All the limbs of the Rosh Nam Sankirtan is prominent. Like Shravan. If you're doing Shravan, what are you hearing? There is only the name. If you're performing Kirtan, also hearing the name, Vandana is also chanting the name. So the name is very much important. Therefore, Kirtan and Prabhat is one way. How do devotees engage their minds in remembering Krishna by chanting his name? Srila Gopinath used to tell, oh, what does it mean to think of Krishna? Krishna and his name are the same thing, Nam, Nami, Amin. There's no difference between Krishna and his name. What does it mean to remember Krishna, to think of Krishna? To remember his name? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That means to remember. And by chanting gradually, as we chant the pure name, then Krishna's form awakens in the mind, then his qualities, then his pastimes, he associates with them. Therefore, I am Muktipula, Upasimana, Paritaskam, Harinam, Samasya. Even the liberated souls never give up chanting the holy name. Therefore, Narada, Rishi, Hanuman, Prahlad, Bhishma, Shankar with five mouths, always chant the holy name. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to say, the holy name is so merciful, so great. Even the highest minister, the Srimati Radhika, always chants Hare Krishna, Hare Krishna. And then even the lowest form of this world can chant Hare Krishna. That's what name is for everyone. Whether you are Sahara or whether you are Siddha,
Devotee always takes shelter of the name. Therefore, what is the Jiva Dharma? What is the eternal religion of the Jiva? That is Hari Nam Sankirtan. The Gurukaya Primalan Hari Nam Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu brought that Hari Nam Sankirtan, which he performed in Goloka Vrindavan, he brought that Kirtan to this world. He tasted it and gave it to others to taste it also. But he's not doing any seva, go in the Dharma and the way does Krishna stay? And I'm just standing, why wouldn't take your dinner with this? I can't just stop him out of the Dharma Bhaktika. Krishna says, oh, now the way I live, I do not live in my country. I do not reside in the hearts of the yogis. I stay wherever that devotee chants my holy name. Therefore, Krishna is all attractive, but he is attracted by bhakti. And when Mahasura is chanting his holy name, not Krishna can be far away. Therefore, Krishna woke up, and immediately he felt hungry. And he went to where Mahasura was churning and churning. Really, she is churning not just yogis, she is also churning Krishna's heart. And her heart also, therefore, Krishna woke up. But Mahasura was so absorbed in performing seva, she could not understand that Krishna was there. That is the absorption of the devotee. Therefore, our goal is not just Bhagavan, our goal is service to Bhagavan. Therefore, Krishna tried to grab her attention, therefore, he grabbed the churning stick with one hand, and with the other hand, Mahasura had covered her head with her jhumni, her veil. Krishna took that also. Then Mahasura broke from her samadhi. When we chant about some breaking of somebody, then we think of material things. The money is not her breaking of somebody, she opens her eyes, disappears there. Then immediately she says, Mother, I am very hungry. And she, Krishna Mani sort of began feeding her personal secrets. There was a good one, he's not the king of the ground. Straight the mouth of Mahadev, straight the mouth of Mahadev, Papo Yashinam is coming. Oh, Brahma, it's true. Nandamala is very, very fortunate. Yashinam is Brahma, because the absolute truth is plaguing his courtyard. But Mahasura is even more fortunate. Why? Because Nandamala can do many seva, but he cannot do the seva like Mahasura. Therefore, Mahasura is more fortunate even than Sri Nandamala, because she can feel her grace to Sri Krishna. Therefore, really, Krishna is Atmara. He is self-satisfied. He has no hunger and thirst. Therefore, devotees like Brahma, I have never been any service to Bhagavan. How do you feed someone who's never hungry? This is possible. But everything is within Bhagavan, all opposites. Therefore, Krishna is Atma Radhaja, but inside Krishna there is also Lila Radhaja, or Paradhaja. He is completely independent, he has no one to fill his eyes, but also he is completely dependent on his devotee. And that much Bhagavan is dependent on his devotee, that much Bhagavan's aspect of being Bhagavan is glory. If a Krishna completely, in one sense he is Atma Brahma, but also he is completely dependent on Mahasura. Therefore, for that much reason he is worshipped by the devotees. Krishna has many qualities, these qualities of bhakti, bhakti, affection to his devotees, that is the main quality of Bhagavan. That quality rests from the head of all our unlimited qualities of Sri Krishna. But Mani is not very happy. She began feeding her breast milk to Sri Krishna. And then, next moment, Mani saw the stove. On the stove was one pot of milk. That pot of milk, Mani saw was preparing for Krishna. But then that milk pot began boiling over. Everything that Guru describes is so much. That milk was thinking, because it goes over and down, everything is conscious. Everything is for the satisfaction of Krishna. Then even the milk is conscious. The dust is conscious. The trees, the birds, the cows. What to speak of the Vishwas? So milk was thinking, without serving Krishna, my life is useless. Milk will exist. Therefore, milk began boiling over into the fire. Because why inside Krishna's stomach? That is unlimited. Millions of universes are there. Therefore, I think the Krishna's stomach will never become full. Mahasura's Vatsalya
the form of personal, that will never finish also. Therefore, I get no chance myself. Therefore, nobody can be throwing himself into the fire. The Madhya Sodashi Guru Tantra. Sometimes we hear two types of vaisnavas. One time is bhajan gati, they are also doing their bhajan, and they are absorbed in that. But another type of vaisnava, they are called Gosanana. They like doing the feast. The seven of Krishna like doing Pacha. I remember one time in Delhi, I asked Gurudev, Gurudev, there are two types of vaisnava, so which one is good? And Gurudev said, oh, don't be so intelligent. I cannot do my job, I cannot be a job. Just follow your Gurudev. What your Gurudev is doing, just do that. And he said, what do you think? The ghost of the Lord, he said, not doing bhajan. So they are doing bhajan. And you think they are not tasting anything? Of course they are tasting. Because they are tasting so much, they want to give that taste to others. If there was no taste in prasad, then no one would do it. Then I asked, what taste is there in the child? And then Gurudev said, well, you have never tasted the rasgulla. How do you know rasgulla? How do I make you understand? You have to taste it, then you can understand it also. So Madhusudana sees no selfish, only an idle selfish. He said, Guruji, the brother is no selfish. He does not only idle selfish and no helpful selfish. She wants to engage everyone and everything. Also the enjoyment, to increase the enjoyment of Krishna. Therefore, Madhusudana also, the Guru Maharaj used to say, only you are doing bhajan, this is nothing wonderful. But you are helping others to do bhajan, this is something great, this is more, right? This is superior also. Therefore, what is the mission of Mariamman? You should do bhajan and you should help others to do bhajan. अपने चार कोई न कोई प्रचार अपने प्रचार न कोई कोई आचार आचार प्रचार भाभी कोई क्या चल तुम्हें जाने को रुचु में जाने दे रहा है बापू संत श्री हरिदास को हरिदास संत प्रैक्टिस पर जो प्रीच और संत जो प्रैक्टिस पर प्रीच हरिदास को अपन बिकॉज़ वी डू बोथ और तब मैं कुछ पच्चीस को मार देते हैं When Mahaprabhu goes on the street, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Bol, then millions and millions of people will follow behind him. And when we go on the street, Hare Bol, Hare Bol, what happens? Hare Bol, Hare Bol. When we chant the street, no one follows us, everyone laughs. Why? Because everything Chaitanya Mahaprabhu preached, he practiced himself. That's why he had so much influence. Anyway, so Madhusudana, she is not selfish. She wants to engage everyone and everything, and also the sons of Sri Krishna. Therefore, in one sense, she gave up her personal direct sons of Krishna to her brothers to the sons of Krishna. Therefore, she went to put down Krishna and went to say to him, don't worry, don't worry. Don't die, don't give up your life. From you I want to do many things. From my milk I cannot make yogurt or sandesh or burpee or rasgulla. But from you, many, many things I will make for Krishna's sake. Therefore, she went to put down Krishna, rather than say to him, and Krishna was very angry. Krishna says, Sattva Dharma, Krishna, Krishna, Sattva Dharma, give up everything, stay with me. Therefore, Krishna went to grab onto Madhusudana. His full energy, he put down, like Guru Maharaj said, like a monkey. Hands, feet, teeth, only Madhusudana's sarva. His full potency he put there to hold up to Madhusudana. But Bhagavan is always defeated by his devotee, therefore Guru Maharaj says, put a left hand. Madhusudana put Krishna down very easily. Therefore Bhagavan always happy to be defeated by his devotee. That gives him great joy. There were so many pastimes in that. Krishna happy to be defeated by his devotee. This is not his loss, this is his gain. Then when she came, and Krishna was starting to breath, she cried, child, leave me! And with a strength of 60,000 elephants, she tried to push Krishna away. But she could not succeed. The money showed her one hand. She had no say in the room. And Krishna came very angry. They were biting his lips. He thought it was no fault of this part of the earth.
Then when he went to check that part of London, he could not because that part was very big. It's a Christmas night. Therefore, everything in Vrindavan is more than Christmas. Even the fox. Krishna could not push it over. He was very heavy. But that part thinking, I have other service. I'm not giving up where I'm going to go. Krishna's very pushy but never pushed. And Krishna very clever. So he took one grinding stone. Before they grinding prasada like this, but Krishna told him, not breaking the trunk, breaking the bone. And made a small hole. Because so much yoga is there like a pressure. It began spraying across the room and Krishna very happy. The next minute he thought, oh my God. This part, many generations thought, many mothers thought, be very happy. This is my feeling. Never where I'm going to run. Never be burned out of the house. But he was still hungry. Therefore, he looked out and saw one part of the open on the roof. He reached out and began eating. Using one grinding mortar, he rolled over and stood on that and began eating mutton. Then many crows and monkeys. They also, Krishna was distributing to them. Just like when Chaitanya Mahaprabhu was distributing Mahaprasad, he would distribute all the devotees first. All the good things he would give to the devotees. All the sweets and mountain well. And afterwards the devotees would force him to. So Krishna's first distributed to the devotees, the monkeys and the crows. The crows are devotees of Karma Sunday, big devotees of Ram. And the monkeys, while Krishna was digging glass, the monkeys helped me so much I could not do any seva for them. Only the monkeys had me fruits and roots. I could not do any seva. Therefore, Krishna began leading those monkeys, the servants of Hanuman. And Mother Yashoda, she put the milk down, she came out, then she saw milk that yogurt was all over the room, and she began thinking, well, Krishna, where has he hidden? Where has he gone? Then from the hand, she took one thin stick. She began searching where is Krishna. Hanuman says, Mother Yashoda, because Krishna came from Mother Yashoda, Mother Yashoda must be more intelligent than him also. Then when he carefully performs any activity, he must be some clue. And Krishna, he forgot that mother sticks to my feet, that was he saw the footprints of Krishna. With the 18 signs there on feet. When Mother was born on the first day, 18 signs are there, hands and feet of Gauranga. When he was born, Mother kept his eyes and his hands closed, and my mother's mother started to go off. My son is Bhagavan, and what she will do? Put him in the cupboard. Every day, one stick of incense, some biscuits. Then my meal was finished. Then my mother's son began following the footprints of Krishna, and Krishna was absorbed in feeding the monkeys and crows. And the monkeys and crows saw mother's son coming. They became very afraid. Time again now, they all began running out the back door. And Krishna thinking, where my friends are going? Then he thought, oh, then he realized mother's son was behind. She was creeping and hiding like a cat. She went to grab him. And Krishna jumped and began running. Then Krishna was waiting, because any high-class woman will never run in public. Therefore, Krishna went on the main road. My mother is a high-class woman. She will never run in front of strangers. But Krishna forgot that day all the men had gone to calibration. Therefore, Mother Yashoda began running behind. Who can catch Krishna? Yad yapi sana visharini yapi balasana yinana hanuman. Don't. Even the yogis cannot find him in their meditation. Brahmacharya said they performed pranayama for thousands of years. They cannot even approach the Chitta Govinda Surupa Tamamrita. They cannot even approach that Chitta Surupa Govinda who is beyond the mind and senses. Kamyanda, he tried to chase Krishna. He chased him everywhere, but always Krishna was two fingers in front of him. So who can catch Krishna before Mahi Sangha Rani? Therefore, Krishna began going side to side. Mother Yashoda was a little heavy. Kumar says, no. Therefore, he thought, if I go satisfied, I'll slow down. Mother Yashoda was a little heavy. Therefore, Krishna was going side to side.
Sometimes we hear in the Chandra, but all this not so easy to give up. There is some desire for Dharma, Art, and Kalamot, it is very easy. But Bhakti keeps such a lot. Because Krishna knows by Bhakti I am controlled. Who can catch the Krishna? There were many stories was running faster than Krishna, otherwise he could not caught him. And caught him. If Manishtava was running at the same speed as Krishna, then she could not have caught him. Guru Maharaj says, if we only got rid of him as much as Guru Maharaj asked, you cannot catch him. You cannot control him. For example, one day Guru Maharaj came to speak to us. But Guru Maharaj is angry at us. But Guru Maharaj abuses some chastisement for our benefit. Is that what we think? And Guru Maharaj used to be so nice to us. Now, how do I take initiation from another group? If you only love women, I will give up to you this one type of business, one type of prostitution. Then the Guru Maharaj says, if Kali Yuga, the Guru Maharaj will give his full attention anyhow. How to serve the disciples and mistake him. Guru Maharaj will smile at the perfection of the Maharaj, and they're running. Therefore, you only love women as much as Guru Maharaj, you cannot catch it. You cannot control and catch Guru, then how do you catch and control one? One. Then the body is going to run faster than she could. Then finally she caught him. She thought Krishna's feet are so soft. How can he run on a hard road to Gokul? When Krishna could understand the body is going to suffer, then he allowed himself to be caught. Then the body is going to went to beat him. Then Rudantam, Mohunetram, Yuman Rajantam, Karamoti, Gumbeka, Satan Kenekam, Mohuswasu Kampat, Yerekam, Sutakreya Mandana, Mandana Bhakti Bhakti. Sati Rabbani is seeing his pastime in his heart. What is that Sri Krishna doing? Rudantam, Mohunetram, he's weeping very hard. Sanatana Swami, his commentary says, Krishna doing pastime like a baby. The baby's crying very loud, he thinks Mother will not punish him. Therefore he's weeping. Without the movement of the human mother, he's wiping his eyes. He can only wipe one eye. Because Mother Shura has the other hand. Therefore Krishna has a kasha. With one eye he's wiping that kasha that is like a panda bear. And covering the panda bear to be. The other eye he cannot wipe because Mother Shura is holding. Then from his eye tears coming down white, and from his eye those tears are black. Then meeting on his chest like prayer, meeting on the Ganga of him. Then he's breathing very deeply. He is very much in anxiety. He's very fearful. In Bhagavana, he's breathing, he may create millions of universes and dissolve millions of universes. He's always patient in the form of Mahavishnu. When Mahavishnu went to meet, he became full of fear. Now it's Vishya. That's how Guruji must have been there, some form and seeing this pastor. Then she's thinking, Krishna's not pretending to be afraid, really he's afraid. This work, if somebody's playing a role, acting, their fear is not real. If something happens, their clothes will be broken. There's one story to give you an idea. There was one Ramayana drama. So then Ramayana drama, Ravan became sick. So they needed a replacement Ravan. So they got one street maker, big fat fellow. Hey, you can do Ravan. Because emergency, Ravan is sick. Okay, what do I do? No problem, you just shout the Ramayana like this. The Ramayana will go on. The street maker said, okay, no problem. Then John was there, Ravan beat up. So he came out, Ravan was there, the sweet maker. Then Hanuman came out with his huge club. Where is that rascal, Ravan? I smashed his head. He's a dog, he's such Mata Sita, the wife of my master, Ravan. And Hanuman, the person playing Hanuman, completely absorbed in this mood. And swinging his club, dragging his teeth. Where is Ravan? And that sweet maker, he's not ready for this. Because when Hanuman completely absorbed, went around and smashed his head, I killed him. And that sweet maker began saying, oh, I'm not a big dog, I'm wearing a sweet maker. It's
weeping, as Mother said, I will beat you. Krishna is weeping, this was not any drama, but I think really he was afraid of Mother Yasoda's stick. The big demon is Brahma, is not afraid of Brahma, he can stop the demigods. But Krishna is afraid of the skin stick in the hand of Mother Yasoda. You know, he's weeping, he's taking long breaths. The three lines on his abdomen, the three lines on his throat are shaking. Sadhu Bhattabhu says, I worship and honor that Krishna, who is completely controlled and dominated. Madhuri, this is what the Manas of this world tomorrow. Yes, sir, Mom. So now we will have to make it. After this, we I mean, everyone is staying in the past, so there is no way of going to play.